Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts 3, 2, 1. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें चैप्टर जो आता है, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम जो है IUPAC नामकरण, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानेंगे। उसे जानने के पहले गाइज आइए हम लोग थोड़ा सा जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक के बारे में आइए गाइज जानते हैं। तो गाइज इसके पहले, इन सबको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो कार्बनिक रसायन होता है उसका मतलब क्या है, उसमें किस प्रकार के यौगिक को रखकर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो गाइज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो कार्बनिक रसायन होता है, इसमें हम लोग कार्बन तथा उससे बने यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, कार्बन तथा उससे बने यौगिकों के बारे में हम लोग कार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। गाइस जो ऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या हो गया, कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कार्बनिक, और जो केमिस्ट्री है इसका मतलब क्या हो गया, रसायन। तो कार्बनिक का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, और रसायन, रसायन मतलब हो जाएगा रसायन, कार्बन के साथ मतलब वह रसायन जिसमें हम लोग कार्बन तथा उससे बने यौगिक, अब मतलब चाहे जैसे मान लीजिए यह हो गया CH3COOH। अब गाइस जो यह एसिटिक अम्ल है, क्या इससे हम लोग कैसे जानेंगे कि यह कार्बनिक यौगिक है, बिकॉज क्योंकि गाइस यहाँ पर कार्बन एटम उपस्थित है, यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। जैसे यह हो गया CH2OH, इसमें भी यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। जैसे यह हो गया CH3CO2CH3, इसमें भी कार्बन परमाणु उपस्थित है, और क्या होगा CH3CH2CH2OH, इसमें भी कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब यह क्या हो जाएगा, कार्बनिक रसायन, वह रसायन जिसमें हम लोग कार्बन तथा उससे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो गाइज आप लोग जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करना है और वे किस प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं, किस प्रकार के अणु परमाणु आयन से बने होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज हम लोग जान गए कि जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिभाषा क्या होता है, वह रसायन, वह केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कार्बन तथा उससे बने यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो गाइज अब मान लीजिए जैसे कार्बनिक रसायन है तो इसमें हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे। तो गाइज आइए थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तथा यह समस्थानिक है गाइज। जैसे समस्थानिक में क्या हो जाएगा, 6C12 6C13 6C14। गाइज यह सब कार्बन के समस्थानिक हैं, मतलब इनका स्थान समान है लेकिन भार इनका भिन्न है, तो यह कार्बन के समस्थानिक हैं। तो गाइज आइए हम लोग यहाँ पे कार्बन के बारे में जान रहे हैं, तो इसमें हम लोग कार्बन का परमाणु क्रमांक जान लीजिए 6 है, तथा इसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है। तो एटॉमिक वेट से हमें कुछ लेना नहीं है। तो गाइज इसमें हम लोग क्या जानेंगे सिंपली, तो इसमें हम लोग जानेंगे जो कार्बन का परमाणु विन्यास होता है, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइज जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 नहीं 2p2, क्योंकि ये दो 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 6 परमाणु है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो यहाँ से गाइस जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। तो गाइस आइए इसे फिलअप करते हैं हुंड के नियम से। तो जो यस होता है इसमें एक प्रकार का कोष्ठक पाया जाता है, जो पी होता है इसमें 3 प्रकार का कोष्ठक पाया जाता है। अब गाइस यहाँ पर क्या है, जो यस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। गाइज यह जो ऊपर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो गाइज यहाँ पर जो ऊपर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के नियम से भरेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को इसे बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के सुई की दिशा में
कि जैसा गति करे उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के विपरीत दिशा में गति करे उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो गाइज यह हो गया। अब गाइज यहाँ पर दो परमाणु हैं तो इसे हम लोग यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे यहाँ पर फिलअप कर दिए। अब गाइज यहाँ पर जो पी वाला है, पी में तीन कोष्ठक पाए जाते हैं तो पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो है। तो आइए पहले हम लोग इसे ऐसे भर देते हैं। अब गाइज यहाँ पर जो है यह कार्बन का कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, कोई भी कार्बनिक परमाणु तो कार्बन से ही बना रहेगा। तो आइए कार्बन से जानते हैं, कोई भी कार्बन कभी भी बॉन्ड अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता है। कोई भी कार्बन बॉन्ड कभी भी अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता है, वह एक्साइटिंग स्टेट में बनाता है, मतलब वह उत्तेजित अवस्था में बनाता है बॉन्ड। तो गाइस यह कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। अब इसका एक्साइटिंग स्टेट क्या होगा, इसका एक्साइटिंग स्टेट क्या होगा, तो इसका स्टाइंगिंग स्टेट होगा। यह इसमें तीन प्रकार के कोष्ठक हैं। तो गाइज एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर चला आता है, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर चला आता है। तो गाइज जब आइए इसमें फिलअप कर दें, तो एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ। अब जो है यह अवस्था कौन सा अवस्था कहलाया, एक्साइटिंग स्टेट, या कौन सा ग्राउंड स्टेट, या क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो गाइज यह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पर एक्साइटिंग स्टेट इसका यह हो गया। अब इसको जो चारों को टोटली फुल अप है, लेकिन टोटली नहीं है, हाफ फुल अप है। टोटली कब होते, जब इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक हो जाता तब ये टोटली फुल हो जाते हैं, लेकिन गाइस ये टोटली फुल नहीं है। तो अब इनमें एक हो गया, इसमें इसमें एक, अब यह कैसे अवस्था में आ गया, एक्साइटिंग अवस्था में आ गया। तो अब कोई भी कार्बनिक परमाणु एक्साइटिंग अवस्था में ही अपने बॉन्ड को बनाता है। तो गाइज आप लोग जान लीजिए, कार्बन जो होता है कभी भी ग्राउंड स्टेट में अपने बॉन्ड को नहीं बनाता है, वह हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड को बनाता है। तो गाइज अब आइए हम लोग जानते हैं, तो गाइज अब आइए हम लोग जान गए, यह हो गया एक्साइटिंग स्टेट, यह हो गया ग्राउंड स्टेट। अब इसके आगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जैसे गाइज कोई भी कार्बन है, जैसे मान लीजिए इसके बीच बीच ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो गाइज आइए हम लोग इसमें जानते हैं। तो गाइज जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे एकल बॉन्ड है अगर कार्बन कार्बन के बीच, तो वह सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं कार्बन होगा, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा व दो पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा व दो पाई बॉन्ड होगा। तो गाइस अगर एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा होगा। तो गाइस आइए हम लोग अभी इस पर क्वेश्चन भी हल करेंगे। आप लोग ये जान जाइए कि अगर तीन बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एकल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, उसमें पाई एब्सेंट रहेगा। तो गाइस यह होगा। अब आइए हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, इसका हिंदी होता है संकरण। तो गाइज आइए हम लोग संकरण के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज जो संकरण होता है वह सिग्मा बॉन्ड को लेकर किया जाता है, उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो गाइज अब मान लीजिए, जैसे यह तो जान गए आप, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर एकल बॉन्ड है तो वह सिग्मा है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर 4 सिग्मा है तो इस पर कौन सा संकरण होगा, यस पी थ्री। अगर 4 संकरण है या फिर 4 सिग्मा है तो इस पर कौन सा संकरण होगा, यस पी थ्री। और इसका संरचना जो होगा वह कैसा होगा, चतुष्फलकी। इसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकी। और अगर गाइस कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कार्बन एकल बॉन्ड हो, अगर उसमें सिग्मा जो है उसकी संख्या 3 हो, तो इसके बीच कौन सा संकरण होगा, यस पी टू।
और इसकी संरचना कैसी होगी? तो इसकी संरचना होगी त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली। और अगर 2 सिग्मा हो तो इसके बीच कौन सा संकरण होगा? केवल SP। इसकी संरचना कैसी होगी? रेखीय। इसकी संरचना कैसी होगी? रेखीय। तो गाइस जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं होता है, केवल इसमें सिग्मा बांड को लेकर उसमें संकरण को निकाला जाता है। तो गाइस जब आइए ये जान लेते हैं इनके बीच एंगल कितने अंश का होता है। तो गाइस जो जिसमें 4 सिग्मा होता है इसमें संकरण SP3 होता है, इसमें जो एंगल होता है वह होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें जो कोण होता है कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और जो 3 सिग्मा होता है जिसमें संकरण SP2 होता है, इसमें जो कोण होता है वह कैसा होता है? 120 अंश। और जो 2 सिग्मा SP संकरण होता है इसमें कौन सा बांड होता है? एक इसमें कौन कितने अंश का कोण होता है? 180 अंश। तो गाइस यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। अब आइए हम लोग इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज ए वाले का संरचना जिसमें क्या होता है 4 सिग्मा बराबर, इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? SP3। तो गाइज इसकी संरचना कैसे होती है? जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, तो यह इससे ऐसे जुड़ा रहेगा। तो गाइज यह कैसे संरचना हो गई? यह हो गई चतुष्फलकी। इसकी संरचना कैसे हो गई? चतुष्फलकी। अगर गाइज इसको मिलाएं तो यह ऐसे हो जाता है। इसकी संरचना कैसे हो गई? चतुष्फलकी। तो यह कैसा है? चतुष्फलकी। अब बी वाला जो है जिसमें संकरण SP2 है और जो इसमें कोण है 120 अंश है, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगा? ऐसे गाइज कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे। गाइस जो इनके बीच का यह एंगल है कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर भी हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी, मतलब इसके जो चारों कोण हैं वह आपस में समान हैं। और गाइस इसके यहाँ से यहाँ, फिर इसके यहाँ से यहाँ, इसके यहाँ से यहाँ के इतने के बीच में 120 अंश का कोण, मतलब ये सब आपस में समान है। तो गाइस यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 120 अंश, जिसमें संकरण कौन सा रहेगा? SP2। और जिसमें SP3 संकरण रहेगा उसमें कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहेगा। फिर सी वाला आइए देखते हैं। सी वाला कौन सा है जिसमें 2 सिग्मा, मतलब SP होता है, कौन सा संकरण? SP। इसकी संरचना कैसी होती है? रेखीय। तो मतलब गाय जिससे केवल एक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा यहाँ पर जो एंगल होगा कैसा होगा? 120 अंश। यहाँ पर 120 अंश, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 120 अंश। तो गाइस यह होता है हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो गाइस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? अगर चार अगर सिग्मा बांड है तो कौन सा संकरण? SP3। उसके बीच कौन सा कोण? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 3 सिग्मा बांड है तो कौन सा संकरण? SP2। इसके बीच कितने अंश का कोण? 120 अंश। इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? इसकी संरचना त्रिकोणीय समतली हो जाएगी। अगर 2 सिग्मा बांड है तो इसके बीच कौन सा संकरण? SP संकरण। इसके बीच कितने अंश का कोण? 180 अंश का कोण होता है। तो गाइज आप लोग ये जान गए। अब आइए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसमें सिग्मा बांड व पाई बांड को बताना है। तो गाइज अब यहाँ पर जो है हम लोगों का सिग्मा बांड व पाई बांड से जिसके बारे में अभी हमने आगे पढ़ा उसका पूरा यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया। और गाइज या जो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं या नीट में भी पूछे जाते हैं, जो नीट होता है और आपके यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह पूछा जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यह नीट 2015 का है, 2015 का एक है, नीट 2018 का और यह नीट 2015 का ही है। तो गाइस आइए हम लोग सिग्मा और पाई बांड के बारे में जान ही गए हैं। अगर कार्बन कार्बन परमाणु बीच एकल बांड तो सिग्मा, कार्बन परमाणु के बीच डबल बांड तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बांड तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं।
ये तो गाइज हम लोग जानते हैं, अभी हमने आगे पढ़ा भी है। और अगर गाइज अगर चार सिग्मा रहेगा तो कौन सा संकरण? sp3। अगर 3 सिग्मा रहेगा तो कौन सा संकरण? sp2। अगर 2 सिग्मा रहेगा तो कौन सा संकरण? sp। तो गाइज आप लोग इसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा। तो गाइज अब आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो गाइज इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह क्या पूछा है? सिग्मा बांड व पाई बांड की गणना करना है। तो गाइज आइए कर लेते हैं। तो गाइज सिग्मा बांड को करने के लिए आइए पहले हम लोग इसे फुल अवस्था में बनाते हैं, क्योंकि गाइज क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था। तो हम लोग आइए इसे हाइड्रोजन को इसमें अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसको गाइज कार्बन परमाणु को आगे कर लेते हैं। हाँ अब क्योंकि कोई भी कार्बन परमाणु अपने आप से 4 बांड को बनाता है। अब ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और कहाँ पर है CH3? यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और गाइज कहीं पर CH3 नहीं है। तो गाइज अब आइए हम लोग इसमें पाई बांड व सिग्मा बांड की गणना करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके इसके बीच चिकल बांड है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच, तो यहाँ पर कौन सा बांड होगा? सिग्मा। यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। अब गाइज अब इस वाले में क्या है? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बांड है, तो हम लोग जानते हैं डबल बांड है, तो क्या हुआ? डबल बांड में यहाँ पर हमने हम लोग जानते हैं कि 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। तो गाइज अब यहाँ पर 1 सिग्मा कर लेते हैं, 1 पाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं गाइज, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 बांड तो सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच 1 बांड तो सिग्मा। अब फिर गाइज यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड, तो हमें घबराना नहीं है, इसमें से 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। अब नीचे 1 1 बांड तो सिग्मा सिग्मा, ऐसे यहाँ पर सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। तो गाइज इस प्रकार से हमने इसे लिखा और जान गए। तो गाइज अब आइए हम लोग इसकी गणना करते हैं। तो पहले सिग्मा बांड की कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24। तो गाइस इसमें जो है पूरा सिग्मा बांड कितना आया हम लोगों का? 24। सिग्मा बांड कितना आया? 24। गाइज एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24। तो गाइज इसमें 24 सिग्मा बांड है। अब आइए पाई बांड की गणना कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर पाई बांड है, 1, 2, 3, 4। तो गाइज यहाँ पर पाई बांड की संख्या 4 हो गया। बस गाइज हो गया हम लोगों को क्वेश्चन साहब, बस ऐसे ही इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था नीट 2015 में। अब गाइस जाइए, तो इसमें जो है सिग्मा बांड कितना हो गया? 24। पाई बांड कितना हो गया? 4। अब गाइस जाइए इसमें नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा? सिग्मा बांड व पाई बांड। तो गाइस यहाँ पर एकल बांड है तो सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ डबल पाई हो जाएगा, क्योंकि गाइज कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बांड है। फिर यहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा। तो गाइज जब आइए गणना करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सिग्मा की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा की संख्या 10। अब यहाँ पर पाई बांड, तो पाई 1, 2, 3, तो पाई बांड की संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो गाइज ये हो गया इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्या है दिया है, लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब दाएं से बाएं जाने पर कौन से यौगिक का संकरण sp2 होगा? तो गाइस आइए पहले हम लोग ये जान लेते हैं, sp2 संकरण कब होगा? जब 3 सिग्मा बांड उपस्थित होगा। sp2 संकरण 3 बांड।
अगर एसपी थ्री संकरण होता तो क्या होता, चार सिग्मा बांड। लेकिन यहां पर पहले क्या पूछा, एसपी टू फिर एसपी टू फिर एसपी फिर एसपी, तो एसपी टू में हमें कितने सिग्मा बांड की आवश्यकता है, तीन सिग्मा बांड की। कैसे पता चला, क्योंकि गाइस अभी हमने पहले उसे पढ़ा था। तो गाइस अब यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन है, तो गाइस अब यहां पर क्या होगा, क्या दिया, लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब मान लीजिए जैसे इधर लेफ्ट है इसे राइट मान लेते हैं। अब गाइज आप कहेंगे ऐसे कैसे मान सकते हैं, क्योंकि गाइज हम लोग क्वेश्चन ऐसे खड़े होकर हल कर ले रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, हमारा दायां हो गया, तो इसमें दायां बायां होने का कोई कन्फ्यूजन नहीं है गाइज। जिधर हम लोग मुख करेंगे इधर वाला बायां, इधर वाला दायां, तो गाइज ऐसे होगा। तो गाइज अब यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। तो आइए अब हम लोग इससे हल करते हैं। तो क्या दिया है, लेफ्ट से राइट जाने पर, अब गाइज लेफ्ट से राइट इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब एक सिग्मा दो पाई हो जाएगा, एक सिग्मा दो पाई, फिर यहाँ पर एक सिग्मा, फिर यहाँ पर एक सिग्मा दो पाई, फिर यहाँ पर एक सिग्मा। तो गाय जब आइए हम लोग इसमें सिग्मा बांड की गणना करते हैं, तो यहाँ पर गाय दो सिग्मा है। अब दो सिग्मा पे कौन सा संकरण होता है, यस पी, दो सिग्मा पे कौन सा संकरण, यस पी। अब यहाँ पे टू पाई है, पाई से मतलब नहीं होता है संकरण में। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक सिग्मा, एक सिग्मा पे कोई संकरण नहीं, तो इससे यह पता चल जाता है कि यह गलत है, मतलब यह हमारा सही नहीं है। अब सेकंड वाले पे आते हैं, तो गाइज यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बांड है, एक बांड, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड, तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई। अब यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, फिर यहाँ पर एक सिग्मा डबल पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा डबल पाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन परमाणु कितने बांड बनाता है, चार बांड, तो एक बांड यहाँ पर है। तो अब चार बांड में यहाँ पर देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक सिग्मा इधर वाला, एक सिग्मा नीचे वाला, एक सिग्मा बगल वाला, पाई बांड से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तीन सिग्मा। अब तीन सिग्मा पे कौन सा संकरण बनेगा, यस पी टू। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो फिर यहाँ पर भी ये देखिए तीन सिग्मा, फिर तीन सिग्मा हुआ तो फिर कौन सा संकरण, यस पी टू। मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, पहले मिला यस पी टू फिर एस पी टू। अब गाइज आगे जाकर देखते हैं क्या सही संकरण मिलता है। अब आगे आए तो यहाँ पर डबल पाई बांड हो गया, दो सिग्मा बांड। अब दो सिग्मा बांड हुआ तो कौन सा संकरण हो जाएगा, यस पी, यस पी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, फिर यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी डबल सिग्मा बांड हो गया, तो डबल सिग्मा बांड होने की वजह से यहाँ पर कौन सा संकरण, यस पी। तो गाइज इसमें से हम लोगों का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संकरण मिला एस पी टू एस पी टू एस पी एस पी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बांड की संख्या तीन, यहाँ पर सिग्मा बांड की संख्या तीन, यहाँ पर सिग्मा बांड दो, यहाँ पर सिग्मा बांड दो। तो गाइज इससे क्या पता चला कि हम लोगों का दूसरा वाला सही है। अब गाइज आप लोगों का होमवर्क है इन दोनों का, इन दोनों का सिग्मा बांड व पाई बांड की गणना करके कमेंट करके बताइएगा। जो ये दोनों हैं इसमें सिग्मा बांड व पाई बांड की आपको गिनती करना है, गिनती करके उसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो गाइस यह हो गया पाई बांड व सिग्मा बांड पे क्वेश्चन। अब आइए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने भाग होते हैं, उसमें किस प्रकार के यौगिक आते हैं तथा उनका आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से होता है, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यह दो प्रकार का होता है, इसके टू टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है बंद। पहला वाला क्या होता है, ओपन चैन खुले श्रृंखला, दूसरा वाला होता है क्लोज चैन बंद श्रृंखला। अब गाइज ओपन चैन किस प्रकार से होता है और बंद चैन किस प्रकार से होता है, आइए हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह कार्बन परमाणु है तथा यह कार्बन परमाणु, इसके बीच में इस प्रकार का बांड पाया जा रहा है, तो यह कैसा हुआ, यह खुला श्रृंखला हुआ। और बंद वाला कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे गाइज यह किस प्रकार की संरचना हो गई, यह बंद वाली संरचना हो गई, और यह किस प्रकार की संरचना हो गई, यह खुले कार्बन की संरचना हो गई। क्या करें, नीचे जम गिर जाते तो कुल उठा के इतना जल्दी क्या जरूरत, आराम से कट ना हो जाए।
जिसे देखा बाजा साजा बाजा था तो ऊपर रुक आराम से बताओ ना का कौन जरूर जाकर डर के अगंजी ने चिकित्सा सीधा करा चुंबड़ी का। तो गाइज अब यह हो गया हम लोगों का खुली श्रृंखला, यह हो गया बंद श्रृंखला। क्यों? क्योंकि यह बंद नहीं है गाइज, ऐसे खुली श्रृंखला एकदम लंबी है और यह बंद है। अब गाइज इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो गाइज जो ओपन चैन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है सेप्टेड सेप्टेड और दूसरा क्या होता है अनसेप्टेड। गाइज सेप्टेड नहीं सैचुरेटेड सैचुरेटेड। पहला वाला क्या होता है सैचुरेटेड मतलब संतृप्त संतृप्त। दूसरा वाला क्या होता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या हो जाए असंतृप्त असंतृप्त। तो गाइस यह हो गया सेचुरेटेड या हो गया अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होता है जैसे गाइस सेचुरेटेड में कौन सा बांड आता है तो जो सेचुरेटेड है इस या बांड को लेकर चलता है तो मतलब इसमें कौन सा बांड आता है इसमें केवल सिंगल बांड आता है और जो अनसेचुरेटेड है इसमें डबल बांड व ट्रिपल बांड आता है। सेचुरेटेड में कौन सा बांड सिंगल बांड अनसेचुरेटेड में कौन सा बांड डबल बांड व ट्रिपल बांड। और गाइस जो क्लोज चैन होता है यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक एक होता है हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। मतलब इसका हिंदी क्या होता है समचक्रीय यौगिक समचक्रीय और इसका क्या होता है विषमचक्रीय विषमचक्रीय। यह क्या हो गया समचक्री या क्या हो गया विषमचक्री। अब गाइस समचक्री क्या होता है जैसे मान लीजिए ऐसे इसकी संरचना होती है या जैसे मान लीजिए समचक्री है। समचक्री मतलब वह चक्र या वह वक्र जिसमें एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे समचक्री कहते हैं। विषमचक्री जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कार्बन है बीच में यहीं पर ऑक्सीजन आ गया तो यह कैसा हो गया विषमचक्री। अगर गाइस यहाँ पर बाहर कोई भी किसी भी प्रकार का यौगिक आता है तब पर भी यह समचक्री होगा। क्यों? क्योंकि इसके मेन चैन में नहीं आया यह सब प्रीफिक्स हो जाते हैं यह सब प्रीफिक्स हो जाते हैं मेन चैन में नहीं आया तो इसीलिए यह समचक्री होगा। लेकिन इसमें जो इसमें ऑक्सीजनवा है यहाँ का यह मेन चक्र में आ गया है मेन वाले में आ गया इसलिए यह कैसा हो गया यह विषमचक्री हो गया और यह कैसा हो गया समचक्री हो गया। तो गाइज इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बांटा गया है पहला किसके आधार पर चैन के आधार पर। तो एक होता है ओपन चैन एक होता है क्लोज चैन। जो क्लोज चैन और ओपन चैन होता है ओपन चैन में दो प्रकार का एक होता है सैचुरेटेड एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में फर्स्ट बांड पाया जाता है अनसैचुरेटेड में सेकंड बांड पाया जाता है। इसके बाद आता है क्लोज चैन। क्लोज चैन में एक होता है होमोसाइक्लिक एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु से वलय बना रहता है इसमें दो प्रकार या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से वलय बना रहता है। तो गाइस अब आप लोग यहाँ तक जान गए। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे IUPAC नामकरण एल्केन एल्कीन एल्काइन तथा जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इस प्रकार के कंपाउंड उनका नामकरण तथा कुछ कंपाउंड इस प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग नहीं लगा पाते इनका यहाँ तक नहीं गाइज केवल ऐसे रहेगा इनका नामकरण जानेंगे। मतलब कुछ है अदर टाइप्स के परमाणुओं के जो कुछ अदर टाइप्स की संरचना होती है उनके IUPAC नाम के बारे में जानेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।